अब मोहित तुमसे मेरा एक सवाल है कि क्यूब्स को क्यूब्स क्यों बोलते हैं, अब तुम एक्सप्लेन करोगे। क्योंकि मोहित सुनो, ये तुम्हारा सर है और मैं तुम्हारे सर के ऊपर स्वाहा डालूंगी। आती है याद शूटिंग की, आती है याद मुझे अपने काम की। आप लोग भी समझा सकते हो, जाके कमेंट सेक्शन में बोलो उनको ऑल इज वेल। ऐसे ही उसका मेन्यू मोमो याकी तोरी निकेमा तेबा साकी। कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? क्यों ऐसी आवाज हो रही है? मैं सबको पूछ रही हूँ, कोई मुझसे नहीं पूछता कैसी हूँ मैं। सैरिस को भूख लगी और हम लोग कहाँ पे आए आज? में क्रैम्स आ रहे हैं। हम लोग आए हैं आज पापा या में, तो मेन्यू में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हो और आपको मेन्यू में कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही उसका मेन्यू मोमो याकी तोरी निकेमा तेबा साकी सुकी एनु याकी कावा याकी, मर जाऊँ मैं। अभी आते हैं एक बहुत ही बड़े इंसान के ऊपर, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना व्लॉग्स में, हर कोई इन्हीं के लिए कमेंट करता है कि पीयूष भाई से मिलवाओ, इनसे बातें करनी है। तो पीयूष भाई, बहुत सारे झूठ बोल दिए मोहित ने एक साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप लोगों का प्यार है, अगर आपने ऐसा कहा है आई रियली लव यू ऑल। तो आज हम आए हैं, आप लोगों ने क्या पाया वैसे यहाँ पे आके? पाप आया, मुझे पापा की याद आ गई। तो हम आए हैं रेस्टोरेंट कॉल्ड पापाया, ये एशियन रेस्टोरेंट है और आप लोगों को इन्होंने दिखा होगा मेन्यू में कि किस तरह से जो चीज़ें लिखी हैं, जो डिशेस के नाम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस हैं, बट जब आपको भूख लगती है तो आप कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो वेटर हैं उनको हमने बुला के उससे ही पूछा, शेफ़ को बुला के पूछा भाई आपकी बेस्ट चीज़ें क्या हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टर्स। तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें सजेस्ट की और हम लोग अभी खाने वाले हैं। मेरे पास एक आइडिया है मोहित, सोहेल, पीयूष, चिड़िया उड़ी कब से नहीं खेला? अरे बहुत दिन से नहीं खेले, लेकिन हमने वो खेला था ना जंप इन जंप आउट, उसमें तो आपने क्या चीटिंग की है। सब बोल रहे हैं कितनी बुरी बात है ना, मतलब मोहित ने स्पेशली वो वाली क्लिप डाली जो मोहित चाहता था, मतलब जिसमें मैं चीटर दिख रही हूँ वो वाली नहीं डाली जिसमें तुमने चीटिंग करी है। ये तो गलत बात, वेरी बैड मोहित, वेरी बैड, वेरी बैड। चलो एक एक गेम खेले, रेडी पीयूष? प्लीज रेडी, चलो मोहित सोहेल आओ। चलो ये मेरा हाथ है, वो सैरिश का और सोहेल का हाथ का है। मैं चीटिंग कैसे कर पाऊंगी? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। नहीं नहीं तुम नहीं बोलोगे। हाँ पता है, मैंने एक हैक निकाल लिया है, मैं यहाँ से सिर्फ पीयूष की उंगली देख रही हूँ, जैसे ही वो उठती वैसे ही बटा लेती हूँ। पीयूष भाई ने नहीं उड़ाई, पीयूष भाई खुद ने नहीं उड़ाई। पीयूष आउट, पीयूष आउट, पीयूष भाई आउट, तो मेन लीडर आउट, तो सब आउट। और अब उनको दिखा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पापाया। जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो मैं और सैरिश आपको पूरा दिखाते तोड़ देते हैं। और वैसे एक बात बोलूं, हाँ आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और आप भी, हम ब्लैक एंड वाइट, हम ब्लैक एंड वाइट हैं, हम सारे भाई बहन जो है हम कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन पहनते हैं और आज ये बहुत ही हॉट लग रहा है। आज मुझे मोहित को लड़कियों से बचाना है, ठीक है? आज हमने चिड़िया उड़ी भी खेली। और मोहित यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है मोहित, वो है यहाँ के क्यूब्स। और क्यूब्स यहाँ पे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, अब मोहित तुमसे मेरा एक सवाल है कि क्यूब्स को क्यूब्स क्यों बोलते हैं, अब तुम एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि क्योंकि वो क्यूब के शेप में होते हैं। वाह 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 वाह, आई एम सो स्मार्ट, क्या आंसर दिया है मोहित, आई एम सो स्मार्ट। वाह, क्यूब्स को क्यूब्स इसके लिए बोलते हैं ना क्योंकि वो क्यूब्स शेप में होते हैं, तो बस इसके लिए। अब आप बताओ क्यों बोलते हैं मोहित? इसकी दो रीजन है, ठीक है? एक तो वो क्यूब है, एक तो वो क्यूब है। भाई बहन में कोई भी आगे पीछे है नहीं, दोनों सेम ही है जी। नहीं मैं एक कदम आगे हूं, एक तो वो क्यूब है, ठीक है? और दूसरा वो शुगर क्यूब के शेप में, इसलिए वो व्हाइट है। बता, बोला था ना मैंने, आओ चलो हम इनको तोड़ देते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ओके कूल, लेट्स गो। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं सीटिंग कितनी प्यारी है, मतलब बहुत ही डिसेंट सा मामला लग रहा है मुझे मोहित। यस है, जब भी किसी मॉल के अंदर आप मोहित हंसो, जब भी किसी मॉल के अंदर आप खाना खाने आते हो ना, तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे खाने के बाद हम बाहर भी कुछ और खा सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं मोहित। हाँ, आज तो हम लोग मॉल में, वैसे हम लोग कहीं पे भी जाते थे तो ऐसा हम स्टक हो जाते थे कि अभी यहाँ से सीधा घर ही जाना है, लेकिन यहाँ से हम लोग आज निकल के बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं और शहरिश आज मुझे पूरी शॉपिंग करवाने वाली है। ये तो तुम्हारा था ना? ये मेरा कब था? मेरा नहीं था, बड़ी बहन करवाती छोटे भाई को शॉपिंग और मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे। वैसे मोहित हम कुछ बहुत टाइम बाद नहीं आए कहीं बाहर, इतने बिजी थे। तो मुझे अच्छा लग रहा है आज आके। तो अच्छा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए ऐसा कि और अच्छा लगे फिर हमको? तो मोहित यहाँ से भी हम दिखाते हैं कि कितना अच्छा इंटीरियर है। ओ माय गॉड,
सच में बहुत प्यारा, लाइटिंग भी बहुत प्यारी है इनकी। यहाँ पे अच्छी लाइटिंग थी या वहाँ पे अच्छी लाइटिंग थी? लाइटिंग यहाँ पे भी अच्छी है और जहाँ पे हम बैठे वहाँ पे भी अच्छी है। मोहित मुझे बहुत भूख लग रही है, हम चेक करके आए? अभी नहीं आया, मैं इधर से चेक कर सकता हूँ, हमारे लोग उधर बैठे हुए हैं और अभी कुछ आया नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा और घूम सकते हैं। और यहाँ पे एक ये सेंटर में भी जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और ऐसे बाहर बाहर भी। तो आपने सेंटर में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि मोहित सेंटर में जो है, हम वैसे ही बहुत खूबसूरत लोग हैं, ठीक है, हाँ। और सेंटर में हमें और थोड़ा सा वो मिल जाता, यस, तो हमें छुप के बैठना अच्छा लगता है। हाँ, मेरी तो नज़रें बाहर जा रही हैं क्योंकि फूड कोर्ट में इतना ज़्यादा क्राउड है ना, ये देखिए बार बार वहीं देखो बस ऐसा, और कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे। आओ आगे आते हैं, कैमरा मैं ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, तो आज बहुत हॉट लग रही हो मोहित। डिश आ चुकी है, मेरी डिश सेलिब्रिटी है, सब फोटोज क्लिक कर रहे हैं क्योंकि दिख बहुत सुंदर रही है। ये है, ये है लोटस स्टेम जो भी खाने बहुत अच्छा है, खाने बहुत अच्छा है। और एक ये है, ना तो नाम लिया जा रहा है ना ही खाने में अच्छा है। और गाइस ये आ चुके हैं चॉकलेट ब्राउनी, बेस्ट थिंग इन पपाया, मतलब पपाया, राइट? पपाया। मोहित सुनो, ये तुम्हारा सर है और मैं तुम्हारे सर के ऊपर स्वाहा डालूंगी। मोहित तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आई हूं, चलो। आर यू रेडी? यस रेडी। एक शर्त पे, तो मेरी बात मानोगे 24 घंटे के लिए? हाँ बोलोगे? यस बोलोगे? डालो जल्दी बोलो। धोखा? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओ वाओ, ओ माँ। मोहित तुमने ना बोला है कि तुम मेरी हर बात पे हाँ बोलोगे अगले 24 घंटे तक, इसलिए मैंने उस पर चॉकलेट डाली थी, ठीक है? हाँ डन। ओ माय गॉड मोहित, चीयर्स सोहेल, चीयर्स। तो आपको शूज़ वाली बात तो याद है ना कि मैं शॉपिंग करवाने लेके गई थी और मैंने बिल खुद भरवाया था कि सिखाना चाहिए शॉपिंग। तो आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया और आज मैं अपने भाइयों को एक और नई चीज़ सिखाऊंगी कि जब फैमिली को बाहर लेके जाते हैं तो उनका बिल कैसे भरते हैं। मोहित, सोहेल, क्या आज का बिल तुम भरोगे? हम? तुम? हम? बिल प्लीज। अरे 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 अरे, मैं बाद में मिलता हूँ भाई, बाद में मिलता हूँ। मैंने इतने ही कहा था कि आज का बिल ये भरेंगे और ये भाग गए। कितने बदतमीज भाई है ना। मैं भी जाती हूँ, बिल तो इनको ही भरना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल दोस्तों? मैंने बहुत परेशान किया आपको, पता है मैं एयरपोर्ट भूल गई थी, वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने एयरपोर्ट छोड़ दिया था। फिर मोहित मतलब मेरा छोटा सिक्का ही काम आया, एक तरफ सोहेल गया ढूंढने के लिए, एक तरफ मोहित गया, फिर मोहित को मिल गया। फायरी ब्राउनी कुछ एक डेजर्ट मंगाया था जो बहुत ही यम था, बहुत यम था देखने में, और जब ये लोग खा रहे थे उसको तो मैंने उसमें से एक कतरा या एक स्पून भी चखे नहीं देखा, क्योंकि कल मेरा शूट है और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसी गैजेट में रहना है जहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता जिससे मेरी बॉडी थोड़ी सी भी खराब लगे, और मैं वैसे भी मीठा अवॉइड करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था बहुत बड़ा कि जहाँ मेरे साथ जितने लोग हैं वो ब्राउनी खा रहे हैं और इतनी अच्छी लगी उनको ये सुन सुनकर, आपको उसको कंट्रोल कर पाना उसको ना खाना वो और भी बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट हुआ है और उसको पूरा कर दिया गया है। आई स्वेयर, मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड था वो पहले से ही, और पीयूष ने जो है वो एकदम करके भी दिखा दिया। गाइस बहुत मुश्किल होता है, और एक चैलेंज और भी था। क्या ये वहाँ पे नहीं बताया आप लोगों को कि वो ब्राउनी मुझे खत्म करना थी, तो वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने वो पूरा करके बताया, खत्म करी वो ब्राउनी। सबसे ज्यादा मैंने खाई है नींद, दैट वाज आर्ट एंड ही इज द आर्टिस्ट। नींद में हूं मैं। हां तुम तो डाइट पे थे ना यार? मैं डाइट पे था, लेकिन डाइट पे जैसे ही मैं आया उसके थोड़ी देर बाद मैं डाइट से हट गया, क्योंकि डाइट पे कब तक रह सकता है इंसान, जब तक उसके सामने ब्राउनी ना आए, है ना? तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, और घर पे ही आते ही ऐसा हो गया ना, पूछो मत, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया था हम लोगों ने, मजा आ गया। और सरेश यहाँ पे है, क्या हाल चाल जी? सब बढ़िया, घर पे आ गए। हाँ तो घर पे आ गए हैं और बहुत सारा खा लिया था, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ मजा ही आ गया। क्या हुआ? नहीं मतलब खाना चाहिए, ऑल गुड। नहीं वो खाने की बात को छोड़ो, क्या हुआ, मुझे मूड दिख रहा है आपका। नहीं तो? हाँ सरेश कुछ भी नहीं। सरेश मैं
तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्या हुआ सच बताओ, मुझे लग रहा है कुछ तो है, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ क्या हुआ? वो तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचने लग गए, मतलब जब हम वहाँ पे उतरे थे तो तुमने मुझसे कहा था क्या हुआ, मूड क्यों ख़राब है? तो मैंने कहा नहीं भूख लग रही है। हाँ तो तुमने कहा अच्छा भूख लगने वाला मूड ख़राब नहीं है, मूड ख़राब है, मतलब तुम वाकई में जानने लगे अपनी बहन को। यस, तो जब हम लोग जा रहे थे ना तभी मैंने सरेश को बोला था, मैं जैसी गाड़ी में बैठा तो मैं बहुत हाइप में था कि मैं इतनी हाइप थी मुझे कि मैंने बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। हाँ। और मैं गाड़ी में बैठने के टाइम पे मैं सीधा ऐसा कैमरा ऑन करके, कैमरा मैंने बैग में रखा था, ऐसे घुसने लग गया कि चलो डायरेक्ट व्लॉगिंग करूँगा, लेकिन फिर इनका मूड देखा तो मैं तब तो कुछ नहीं बोला, फिर हम लोग अंदर गए तब से मुझे लग रहा है। तो क्या हुआ सच बताओ? नहीं तब वो ठीक था, मतलब हाँ थोड़ा सा हम इंसान हैं, ऊपर नीचे होता है, फिर मैं ठीक भी हो गई थी, अभी भी ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या हुआ, क्या हुआ बताओ बताओ बताओ। आती है याद शूटिंग की, आती है याद मुझे अपने काम की, और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को कि मैं एक एक्टर हूँ। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप जब एक एक्टर बनते हो ना मोहित, तो आपको वरदान भी मिलता है और श्राप भी मिलता है। ये बहुत ही अच्छी सेइंग है इंग्लिश में कि व्हेन यू बिकम एन एक्टर यू गेट कर्स्ड एंड प्रिविलेज्ड एट द सेम टाइम। तो आपको ये वरदान भी है एक्टर होने का और ये एक श्राप भी है कि हम जब एक्टर बनते हैं तो हम काम करते हैं और हम काम करते हैं, शूटिंग चलती है, फिर एकदम से चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर वो हट जाती हैं। तो बेसिकली ये हमारी लाइफ है, ये हमने चूज़ करी है, तो इसके पर्क्स भी बहुत सारे हैं, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और इसके नुकसान भी। अब देखो जैसे मैं एक बात बताऊँ, जैसे हम कोई नॉर्मल जॉब करते तो हमारा प्रमोशन ही होता राइट, लेकिन ये जो है मोहित यहाँ पे प्रमोशन होगा ऐसा और फिर ऐसे आपका शो बंद होगा, ऐसे होगा, फिर एक नया शो मिलेगा, फिर ऐसा फिर वैसा। तो इसीलिए मैं इनको बोलती हूँ कि जितने लोग ना ये एक्टर बनने की बात करते हैं ना कि एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, बॉम्बे आना है, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत कड़ा डिसीजन है, बहुत स्ट्रांग डिसीजन है आपकी लाइफ का। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा भी आएगा कि आपके पास बिल्कुल काम नहीं होगा, आप बोलोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ, और फिर अगले दिन जब आप होपलेस हो जाओगे तो आपके पास बहुत सारा काम होगा, डिसाइड नहीं कर पाओगी क्या काम चूज करूं और क्या काम छोड़ूं, इतना काम आ जाता है, इतना काम आ जाता है, और आपको जब लगता है ना कि अरे वाह सब ठीक हो गया, फिर काम निकल जाता है। यस, तो ये जो है ना ये इतनी ज़्यादा है ये चीज़। तो हाँ मुझे कभी कभी याद आती है अपने काम की, और ऐसा नहीं कि मैं अभी काम नहीं कर रही तो मैं आगे काम नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स मैं करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हाँ बस आप लोग सोच लो, आप लोग बोलते हो ना एक्टर बनना है, बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है एक एक्टर बनने के लिए। तो बस अब तुमने मुझसे पूछ लिया तो मैंने बता दिया, मैंने क्यों ही बता दिया मोहित। नहीं 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 नहीं, जो भी दिल की बात है ना वो शेयर करनी है। ओके, तो ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ अपनी साइड से भी और सरेश की साइड से भी, उनका मूड काफ़ी ऊपर नीचे है अभी, तो मैं जाके समझाता हूँ, आप लोग भी समझा सकते हो, जाके कमेंट सेक्शन में बोलो उनको ऑल इज़ वेल, जाओ प्लीज़, मिलता हूँ मैं आपसे आगे।